तो कैसे आज आप लोग उस दिन मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने को, तो आज संडे का दिन है, मैं कासन हिल में आया हूँ, सोचा कि आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखाऊं कि ये जो मॉल है सुबह संडे के दिन में कैसा रहता है और कितने सारे लोग यहाँ पे छुट्टी का आनंद उठाने आए। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ का फूड कोर्ट है, यहाँ पे लोग अपने ट्रेन ट्रेन वगैरह को खाना वाना खिला रहे हैं। आपको थोड़ा 0.5 में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग काफ़ी सारे वाइडर एंगल में काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, संडे का दिन है, यहाँ पे अगर आपको डॉगी वगैरह लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो डॉगी वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पे जो अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि आप अडॉप्ट कर लो, बट अडॉप्ट करने का यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है। देखिए डॉगी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके अलग अलग रेट हैं और कि इसमें कितना, देखिए इसमें कंडीशन लिखी हुई है इनके बारे में कि ये क्या कहते हैं, इनका साइज़ क्या है, ठीक है, और क्या क्या है। देखिए साथ में यहाँ पे अगर आप एनिमल लवर हैं तो ये जगह आपके लिए है, मैं आपको और बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ से ये यहाँ का टेस्ला है, टेस्ला नहीं, सॉरी गाइस, माफ़ कीजिएगा, काफ़ी सारे ग्रामर नाजी वगैरह मुझे अभी टोकने लग जाएंगे कि कैसे कर रहे हो भाई, ये अलाउड नहीं है गलत बोलना। यहाँ का कासल हिल का मॉल है, यहाँ पे चीज़ें हैं काफ़ी सारी, और बीच बीच में जो भाई है यहाँ का चाय टाइम है, तो अगर आपको ठंडी चाय, इंडिया में इसको बोबा टी बोलते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं चाय का आनंद उठाते हैं। इसका जब शुरू शुरू में प्राइस $6 होता था, अभी शायद इसका जो प्राइस है वो $9 हो गया, नहीं $8 समथिंग हो गया। उसमें आपके पास बहुत सारे वेरियंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। प्लस देखिए यहाँ पे अगर आपको जापनीज़ फूड खाना है तो यहाँ पे जो सुशी है वगैरह मिलती हैं, और अगर ये जो फ्रेश सी फूड है, आप इंडिया में जाते हैं आपको सी फूड वगैरह मिलता, बट यहाँ पे है फ्रेश सी फूड, स्मेल नहीं आती, वरना काफ़ी जगह पे अगर आप इंडिया में सी फूड लेने जाते हैं तो आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे चीज़ें हैं बहुत सारी, और यहाँ पे डोनट्स हैं, सोनी का स्टोर है, तो अगर आप सोनी के दीवाने हो तो ये जगह आपके लिए है। यहाँ पे सोनी के बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, मैं सोचा कि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया ब्लॉग दिखाया जाए, बनाया जाए, क्योंकि मैंने सोचा कि डेली ब्लॉगिंग भी करूं और जहाँ पे जितना हो सके मैं आपको दिखाऊँ। आपको यहाँ का जे बी आईफा दिखाता हूँ, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो आप कैसे ले सकते हो और कहाँ से ले सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ का जे बी आईफा है, यहाँ पे आप यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप बाय कर सकते हो, और ये जो है यहाँ पे बहुत अच्छी बार्गेनिंग होती है। ये चाचा बाल काट रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये दोपहर का टाइम हो रहा है तो लोग अभी बढ़िया बढ़िया चीज़ें ले रहे हैं। देखिए यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये है, मुझे जाना है रिजेक्ट शॉप में, देखिए नाम इसका रिजेक्ट शॉप है, पर जो चीज़ें रहती हैं वो रिजेक्ट नहीं रहती, बस उसका नाम है ये नहीं है, लगा ये है इसके पीछे वाला, तो चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती रहती है, बट नाम रिजेक्ट शॉप है। जब मैं आया था तो मुझे लगता था कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सब पुरानी हैं, एक्सपायर्ड हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया, एक्सपायर्ड चीज़ें नहीं बेचते, जो भी बेचते हैं वो काफ़ी बढ़िया बेचते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना रहे। सेल देख रहे हैं कहाँ से मिलेंगे, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको सेल्स दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल्स वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो थोड़े से चाहिए, एवर रेडी के सेल हैं, बचपन की यादें आ गई, मस्ती ही मस्ती है एवर रेडी के सेल्स में। ये ट्रिपल ए, मुझे डबल ए चाहिए, मुझे ट्रिपल ए चाहिए, यहाँ पे शायद है नहीं, के मार्ट में होगा। चलिए मैं आपको आ जाना तो आपको के मार्ट के दर्शन भी करा दूँ, $15 के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है जो इनका रिजेक्ट शॉप है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है। पहले हाँ मैं यहाँ से डिटर्जेंट वगैरह लेके जाता था, डिटर्जेंट के जो डब्बे मिलते हैं वो काफ़ी ही चीप मिलते हैं। देखिए तो खाने पीने के ऑप्शन हैं, आप चीज़ें ले सकते हैं, अगर आपके पास ट्रेन ट्रेन है भैया, छोटा ट्रेन ट्रेन है, गाड़ियाँ लेने आया, बट मुझे चाहिए बैटरी, वो बैटरी मुझे मिल नहीं रही क्योंकि मुझे अपने माउस में डालनी है, माउस मतलब। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, घर का सामान आपको यहाँ पे मिल जाता और सबके प्राइजेज लिखे हुए हैं। ये देखिए $2.75 का है, और
आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। सोचा कि एक बड़ा ब्लॉग बनाया जाए जो भी शूट करूँ। पहले शुरू शुरू में मैं काफ़ी हो रहा था, वहाँ कर गया था, घबराया होता था कि कैसे बात करूँगा, क्या करूँगा। फिर लगा कि देखो अगर संसार में रहना है तो आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब आपको बोलना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ कि ब्लॉग में जैसे काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं, उनके पास उनकी लाइफ काफ़ी हैपनिंग होती है, वो काफ़ी सारी चीज़ें डाल रहे हैं, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल पाता। कोशिश करता हूँ कि जो डाल सकता हूँ वो डाल दूँ, तो ताकि आपसे रेगुलरली ब्लॉग्स बनाऊँगा एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग जो अपना प्यार बनाएंगे। और दिन बाय नहीं था, थैंक यू। तो भैया पूछा तुमने कुछ बाय किया, मैंने कहा मैंने कुछ बाय नहीं किया, मैं सब आपका प्यार लेने आया। मतलब मैंने बोला ठीक है चले जाओ, देख रहा था कि मैं ये ब्लॉग्स जो बना रहा हूँ उसको पता नहीं है कि हम मीट टू इंडिया चैनल के लिए बना रहे हैं, तो अगर आप भी चैनल पर नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना रहा हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ों पर वर्क ऑन कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ें चल पाएँ और आप लोगों के लिए मैं बना सकूँ। मैं अभी एक शॉप पे गया, मैंने उनसे पूछा कि मुझे फ़ोन के पीछे का जो लेंस प्रोटेक्टर है चेंज कराना है तो उसका क्या प्राइस रहेगा, तो उन्होंने बोला $29। मैंने $10 में तीन लगवाए थे, अब $29 देना मैं कहाँ से दे पाऊँगा। तो मैंने उनको बाय बाय कह दिया, बोला कि नहीं हमको आपसे नहीं लेना, मैं आपको यहाँ की मार्केट भी दिखाता हूँ और मैं आपको यहाँ का के मार्ट भी लेके जाता हूँ। ये यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का सस्ता शनि बाज़ार है, शनि बाज़ार जैसा सामान मिलता है यहाँ पर, ताकि अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। वैसे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मुझे सेल लेने हैं। अगर बैटरी मैं बाहर से लेता हूँ तो बैटरी मेरे को भी $17 की पड़ रही है, मेरे को इतनी चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ दो पीस चाहिए माउस में डालने के लिए, तो वो शायद $4 का था लास्ट टाइम। और मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं पागलों की तरह वीडियोज़ बना रहा हूँ, पर उनको पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ भी बनाता हूँ। उनको कैसे बताऊँ कि अगर ये चैनल पर नए हैं तो ये मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए तो मैं वही शॉप से आ गया, यहाँ पर जापनीज़ फूड मिलता। तो ये लोग क्या करते हैं, जब इन लोगों की ये शॉप क्लोज़ करने वाले होते हैं तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सस्ते में बेचना शुरू कर देते हैं, ताकि आप बाय कर लो, क्योंकि इनको यहाँ पे ना चीज़ें फ्रेश का बहुत वो है कि ना फ्रेश होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी ने सामान भेज दिया बोला जी फ्रेश है, चाहे वो 10 दिन पुरानी पेस्ट्री हो। तो होता है काफ़ी जगहों में, यहाँ पे भी होता है, बट ठीक है जो है। मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आपको वो लेना है क्या बोलते हैं ट्रिमर लेना तो आप ये यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। देखिए पैसे की माया, जितना पैसा खर्च करोगे आपको उसी हिसाब से चीज़ें मिलेगा। तो बाकी जगह पे मेरा काम नहीं बना, बट अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ के केमार्ट में, जो केमार्ट है यहाँ का वो सही रहता है आपको। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहता, बट ठीक है, पागल नहीं हुआ है लोग वगैरह पागल आ सकते हैं, अभी एक्चुअली इंडिया की पावर को जानते नहीं है कि वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनको बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स मिले हैं। तो आपको दिखाऊँ कि क्या है, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं कि पूछ लीजिए चैनल का नाम क्या, तो मैं उनको बता भी दूँगा कि जो चैनल है बहुत ही बढ़िया है। तो ठीक है, बट मैं उनका लॉस है, मैं किसी से पूछता हूँ कि यहाँ पर बैटरी कहाँ मिलती है। एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई फाइंड बैटरी? तो यहाँ पर मैंने पूछा कि बैटरी कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने मुझे पहले वो बोला कि घबरा गई थी, उनको लगा कि उनको इटली इंडिया में ले लूँगा वो फेमस हो जाएंगे, तो इस चक्कर में मैंने उनको बताया नहीं। ठीक है, बस आपको यहाँ का शनि बाज़ार दिखाता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया का शनि बाज़ार है वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो है। ओके, ये कपड़े वगैरह लगे हुए हैं और सबके जो प्राइसेस हैं वो कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको घर के कपड़े लेने हैं, शूज़ लेने हैं, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सस्ते रेटों पे। देखिए ये तो महंगा है, और जैसे आपको बाकी सारी चीज़ें लेनी है आपको मिल जाएंगी, ये यहाँ का सस्ता और टिकाऊ है। बट मुझे लेनी है बैटरी, जो मुझे मिल नहीं रही, बट मैं देख रहा हूँ कि मुझे फटाफट मिल जाए, साथ साथ मैं देखिए कैमरा फटाफट घुमा लेता हूँ और किसी और से भी पूछता हूँ कि बैटरी कहाँ मिलेंगी। उन्होंने बोला जो बैटरी लेनी है वो मुझको सिर्फ फ्रंट में मिलेंगी, बाहर नहीं मिलेंगी। देखिए तो मुझे देखना पड़ेगा कि बैटरीज है कहाँ पे, अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है, कहाँ नहीं तो फिर कहाँ है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, वो रही बैटरी,
का अलग अलग प्राइस लगा हुआ है। संडे के दिन सारे लोग अपने घरों के सामान की शॉपिंग करने आते हैं। मैं भी आया, सोचा कि आपको दिखाया जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है वो काफ़ी बड़ी बनी हुई है। पहले जब शुरू शुरू में ब्लॉगिंग करते थे तो काफ़ी सारे लोग देखते थे कि भाई जो बना रहा है क्या पागल है, और अभी धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। काफ़ी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, आपको और दिखाऊँगा। यहाँ पे चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, ये पता नहीं क्या है, सॉक्स, सॉक्स का कुछ है, सॉर्टर, ये पता नहीं कैसे सॉक्स को सॉर्ट करता, इसमें अपनी सॉक्स डाल दो, जो भी है मैं देखता हूँ उसमें क्या, इसमें कि अपनी सॉक्स को आप डाल दो वो धुल के निकल जाती है। चलो अगली बार देखते हैं इसमें कैसा है, मैं भी लेके देखता हूँ। $2 की बात है, आप बोलेंगे रोहित भाई 100 रुपये का आप इतना महंगा सामान ले रहे हैं, 100 रुपये में तो यही आ रहा है, देखता हूँ कैसा है। और दिखा रहा हूँ आप, देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं, बट मेरे पास ज़्यादा यहाँ पे दिखाने के था नहीं, जो भी चीज़ मिलती है काफ़ी सस्ती मिलती है, लाइन जो है वो काफ़ी बड़ी है। और ये यहाँ पे आज के टाइम पे सेल्फ चेकआउट भी हो गया कि आप फटाफट चेकआउट करें। ये माल्टीज़ हैं यहाँ की, बहुत बढ़िया चॉकलेट रहती है, पहले खाता था, आपने खाता नहीं, बोलेंगे रोहित भाई आपका फिर वेट कम नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैं खाता हूँ, पहले खाता था, मैं कोई तरह की जो ब्लॉग बना हुआ काफ़ी बड़ा है, तो यह लगता है कि जो टाइम जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बढ़िया बोलने लगता है। तो ठीक है, जो है सो है, और चॉकलेट्स वगैरह हैं उनका क्या क्या प्राइस है, लोगों की तरह मैं फटाफट बना रहा हूँ। ये चॉकलेट्स हैं, $2 की लगी हुई हैं, साथ में ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये $2 का, पहले सब $1 का आता था, अब $2 का हो गया, ताकि सस्ता कंपैरेटिवली ये सबसे ज़्यादा सस्ता यही है, पहले ये सस्ता नहीं था बट अभी कंपैरेटिवली यही सबसे सस्ता है। ठीक है, और दिखा दो तुम्हें बातचीत सुनिए, यहाँ पर कंपैरेटिवली हाथ से मैं यहाँ पे भी अलग अलग जगह पर बातचीत आती है, बहुत ही महंगी होती है, मैंने यहाँ पर देखा था $15 रेडी की थी। जब मैं शुरू में आया था, मेरे को यहाँ पे बुक्स रीड करने का शौक था, इतनी बड़ी बुक्स देख के लगा कि पढ़ाई कर लूँ, से अच्छा कोई बंदा बोलेगा प्यार का पार्ट पढ़ लो, आप पढ़ो हम नहीं पढ़ेंगे, इतनी बड़ी किताब मेरे को तो समझ में नहीं आती। एक यहाँ पे बैटरीज लेनी है, यहाँ पे मिल गई मेरे को। यहाँ से चेकआउट करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप स्कैन करो और स्कैन करने के बाद आप उसको पे कर दो, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों की बीवियाँ उनको ज़बरदस्ती लेकर आई हुई हैं। देखिए यहाँ पे लेडीज़ का सामान भी है, किड्स का भी है, घर का भी है, चिकन किचन वगैरह का भी सामान है, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मैंने बैटरीज वगैरह भी ले ली हैं, ताकि मैं घर जाके अपने माउस में बैटरी डाल दूँ। देखिए अगर आपको वीडियो गेम्स खेलनी है तो यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है EB गेम्स, यहाँ पे जो गेम्स वगैरह हैं वो सेल पे लगी होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्काउंट लगा होता है। अगर आप निंटेंडो खेलते हैं तो निंटेंडो की बात ही यहाँ पे कुछ अलग है। साथ में मैं जब आया हूँ यहाँ पे इनसे पूछना है कि इनकी जो नई गेम्स हैं वो उसके प्राइसेस क्या हैं। देखिए यहाँ पे आउटलॉ भी आई हुई है और स्पेशल एडिशन लगा हुआ है, शायद $100 का लगा हुआ। इस साल इधर गेम्स जो है वो काफ़ी सारी नहीं आई, पहले क्या होता था जो गेम्स आती थी वो फटाफट आती थी। देखिए FIFA 25 जो है वो प्री बुक डाल रखी है, 27th को लॉन्च है, काफ़ी सारी गेम्स हैं बट इसमें इतने सारे ऑप्शन नहीं हैं। ये गेम कितने साल पहले आई थी बट इसका प्राइस जो आज भी उतना ही। मैं देखता हूँ और क्या क्या आ रहा है, प्री ओन गेम्स भी मुश्किल महंगी हैं, चीज़ें जो हो गई हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं, कंपैरेटिवली लगता है कोई सेल नहीं चल रही, वरना पहले यहाँ पे काफ़ी सारी सेल चलती थी। देखिए देखिए यहाँ पर ये भी ये लिनोवो का गेमिंग हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल है, ये जो रहता है काफ़ी बढ़िया रहता था, ठीक है जो भी है। चलिए मैं आप देखता हूँ, मुझसे पूछता हूँ चीज़ों के क्या क्या प्राइजेस हैं, यहाँ पे गेम्स पे सेल लगता कोई लगी नहीं हुई। देखिए देखिए गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी मैंने आपको दिखा दी हैं, बट मैं देखता हूँ मैं और क्या कर सकता हूँ, आपको क्या दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट स्टिल आपको इंटरटेन करना हमारा पूरा धर्म है, तो मेरा एक फर्ज है। यहाँ पे फ्रेश जूसेस भी मिलते हैं, बट आप इंस्टाग्राम वगैरह पर वीडियोज़ देख लो, बोलो आप फ्रेश जूसेस पी लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा, बंदा फिर वो व्यायाम ही करने लगता है, कुछ भी कर लेते दिमाग है ना उसको कैसे मत समझाओ। तो यहाँ पे जो है फ्रेश ब्रेड मिलती, देखिए अरे क्या अलग अलग प्राइजेस हैं, देखिए
मैंने ना लिया कुछ नहीं, भूख लग रही है, बस सोच रहा हूँ कि अभी खाऊँ या बाद में खाऊँ, तो ना खाऊँ तो थोड़ा सब्जेक्टिव है। तो जो भाई जैसा है आपको दिखाया जाएगा, आपको एंटरटेन किया जाएगा, ताकि आप भी बोल सकते बढ़िया है अभी। यहाँ से निकल चुका हूँ, बट मैं आपको और दिखाता हूँ इसके कैसे ट्रेन हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे, किस चीज़ पर काफी लगी हुई है। यहाँ पे जो सामान मिल रहा है और सामानों का रेट बहुत सस्ता है, बड़ा वेट क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कोई खांसी खांसी खाऊँ खाऊँ कर रहा, हम नहीं करना चाह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कोई पास में हुआ नहीं करना, माहौल देखता हूँ फिर चलता हूँ, क्योंकि जो ब्लॉग है वो बड़ा भी बन गया और आपको दिखाया गया कि वही सेम रस्ते से जा रहा, वही सेम दीदी वही सेम भैया। चलिए मैं आपको जेबी हाइफाई में दिखाता हूँ वहाँ पे क्या हुआ। यहाँ का जेबी हाइफाई यहाँ पे मिलता है आपको, जैसे इंडिया में आपका रिलायंस की शॉप है वैसे ही आपका यहाँ पे जेबी हाइफाई यहाँ पे मिलती हैं आपको बड़ी सारी चीज़ें, और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको मिलता है डिस्काउंट। जी हाँ डिस्काउंट। अब क्या है क्या नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने साथ साथ कि कैसा चल रहा है। यहाँ पे जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें इन्होंने उसको ऐसे छुपा रखा, देखिए, ताकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाए। और यहाँ पे क्या है कि आप कितने बड़े ब्लॉगर हैं उसके ऊपर डिपेंड करता, अगर आप ईटो इंडिया हो तो आप फ़ोन से भी चला सकते हो, बाकी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या देखिए। देखिए यहाँ पे और क्या क्या, यहाँ पे भैया इनसे बात करता हूँ कि कैसा यहाँ पे, कि मेरे को जो माउस हुआ है माउस दिखा देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग का, पिछली बार मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया तो सोचा उसी पुराने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ। आज एक्चुअली क्या है कि आज काउंसिल की वोटिंग है ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे पता नहीं था, मुझे किसी का मैसेज आया कि आपने वोटिंग कर दी है। जैसे यहाँ पे प्रचार करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, वो तो मैंने बाई चांस किसी का मैसेज देख लिया जिसमें लिखा था कि आज तो वोटिंग करी है कि नहीं करी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप वोट नहीं देते तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ना फाइन देना पड़ता है, और उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब फाइन का जो है वो अलग अलग प्राइसेस रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। पहले मैंने सुना था शायद $180 होता अगर आप वोट देना भूल जाते हो, मेरे ख्याल से, माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे मेरे एक पड़ोसी अंकल मिले, उन्होंने मुझे बताया कि उनका लास्ट टाइम $50 आया था कि वो वोट नहीं दे पाए थे। तो यार वो इससे अच्छा आप वोट दे आओ, एक हफ्ते का टाइम होता आपको वोट देने के लिए, तो आज वो लास्ट डे है वोट देने का। तो मैं फटाफट जा रहा हूँ ताकि मैं वोट दे दूँ। आज शायद जो वोटिंग है वो शायद शाम के 6 बजे तक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज का सुहाना दिन है वो कैसा चल रहा है। तो अच्छा हुआ याद आ गया, ये इसका फ़ाइन देना वो ज़्यादा बुरा लगता है कंपैरेटिवली अगर कोई और फ़ाइन आए कि हमने वोट नहीं दिया तो इसका हमको फ़ाइन आ गया। पर ठीक है, जो है सो है, हर जगह का अपना एक रूल होता है। तो ठीक है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा चल रहा है। देखिए देखिए जो भैया भागते हुए आ रहे हैं यहाँ से, देखिए सुहाना मौसम सुहाना दिन, बढ़िया धूप निकली हुई है, कल बारिश आ रही थी यहाँ पे, तो ठीक है जो भी है। चलिए यहाँ से दिखा आपको, थोड़ा बहुत चलते हैं, एक ही स्ट्रेच में बनाते हैं यहाँ पे। शायद जब आप जाते हैं तो आपको वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। चलो चले चलते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लाइन पे लगे हैं, बट सबको अपना फ़ाइन बचाना है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग लगे हैं, वो आपको वीडियो में दिखेगा नहीं, अगर आप मेरी नज़र से देखोगे तो आपको काफ़ी, यहाँ के हिसाब से काफ़ी लोग हैं, सबको वोट देना है। देखिए तो गाइस वोट मैंने दे दिया है, चलो फाइन से बच जाएंगे। यहाँ पे बहुत सख्ती है कि आपको वोट देना ही देना। अब वो मुझे प्रोसेस नहीं पता कि अगर आप कंट्री में ना हो और उस टाइम वोटिंग का हो तो आपको क्या करना पड़ता,
मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे पूछ के बताऊंगा। मैं जब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा उसके अंदर मैं शो करूँ, बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस होता है अगर आप कंट्री में नहीं हो और बोटिंग हो। देखो यहाँ पे लोग कम है तो सख्ती ज़्यादा है बोटिंग के लिए, पर ठीक है यार, अच्छी बात है, सारे नागरिक जो हैं वोट करें। यहाँ पे हर थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई इलेक्शन हो ही रहा होता, पर अच्छी बात है। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे इनकी एक शॉप है, यहाँ पे लोग कार्ड गेम वगैरह खेलते हैं। अब वो मुझे पता नहीं है वो कहाँ गेम कौन सी है। एक वो मैं गया था, मुझे समझ नहीं आए, एक अलग ही लीग चलती है यहाँ पे, लोग बैठे होते हैं, गेम्स खेलते हैं, मस्ती पे मस्ती है। मैं समझने की कोशिश करी बट मेरे को समझ नहीं आया, शायद मैं ज़्यादा कूल नहीं हूँ। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही, होप करता हूँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना, अगर बहुत अच्छी लगी तो लोगों में शेयर भी करना, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।